हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी टेक्निकल। आज का जो टॉपिक है वो मैं लिया हूँ ट्रस्ट का। ओके, तो आज देखेंगे कि ट्रस्ट के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, तो उसमें जो टॉपिक वाइज हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आज का जो टॉपिक है वो है ट्रस्ट रिलेटेड। तो ट्रस्ट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, तो इसके कॉन्सेप्ट भी मैं क्लियर करते जाऊंगा थ्रू द क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये गिवन ट्रस्ट है, ट्रस्ट आपके सामने दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फॉर द गिवन ट्रस्ट ऑन इन फिगर द फोर्स इन मेंबर पी क्यू, पी क्यू मेंबर में कितना फोर्स होगा। ओके, ये क्वेश्चन ES 2018 में आ चुका है। ओके, तो देखिए इसको दो तरह से कर सकते हैं। एक तो बड़ा ही आसान है ये क्वेश्चन, कि आप क्या कीजिए कि डायरेक्ट आप रिएक्शन फाइंड कर लीजिए। तो इस सपोर्ट का जो रिएक्शन होगा उतना ही फोर्स मेंबर पी क्यू में हो जाएगा। ओके, तो आप डायरेक्टली मोमेंट ले सकते हैं, मोमेंट अबाउट पॉइंट एस, एस पॉइंट के अबाउट अगर आप मोमेंट लेंगे तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं एफ ऑफ पी क्यू इंटू एल इज इक्वल टू एफ इंटू एल। ओके, F इंटू एल, इट मीन्स कि यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है जिसको F दिया है, कि F फोर्स यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो F इंटू एल इज इक्वल टू पी क्यू इंटू एल, तो वहाँ से डायरेक्टली आपको F पी क्यू निकल के आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू F। दूसरा मेथड है कि देखिए ये वर्टिकल लोड यहाँ पे लग रहा है, तो इस मेंबर में भी इतना ही फोर्स हो जाएगा F। ओके, और ये दोनों कॉलिनियर है तो ये हो जाएगा जीरो। जब ये जीरो हो गया तो इस मेंबर पे आएगा, ये इधर से जा रहा है एफ, है ना, और ये एल है, ये एल है, तो एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अगर एंगल 45 डिग्री है और इधर से ये एफ जा रहा है, तो अगर मैं इसकी डायरेक्शन इस साइड लूँ तो ये फोर्स कितना हो जाएगा इसमें एफ कॉस 45, यानी एफ बाई रूट टू। ओके, और अगर ये एफ रूट टू है और ये एंगल अगेन 45 डिग्री है, तो इसमें जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा एफ, क्योंकि ये भी एंगल 45 डिग्री है, तो इसमें जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा एफ। सो करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर वन इज ए, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है कि जीरो लोड टेस्ट इंडिकेट्स वेयर ए प्लेन ट्रस इज। जीरो लोड टेस्ट क्या इंडिकेट करता है, दैट इज स्टेटिकली डिटर्मिनेट, ऑप्शन ए है स्टेटिकली डिटर्मिनेट, इसका मतलब है कि एक्सटर्नली। दूसरा है स्टेटिकली इनडिटर्मिनेट, मीन्स ब्रैकेट में इंटरनली। तीसरा है स्टेटिकली डिटर्मिनेट, और ऑप्शन डी है ज्योमेट्रिकली अनस्टेबल। सो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ज्योमेट्रिकली, ज्योमेट्रिकली अनस्टेबल, ज्योमेट्रिकली अनस्टेबल। ओके, ये क्वेश्चन भी आपको UPPSC में पूछ चुका है, किसमें, UPPSC में पूछ चुका है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ द स्लोप ऑफ द ट्रस इज 15 डिग्री, इफ द ट्रो सब स्लोप ऑफ द ट्रस इज 15 डिग्री द लाइव लोड ऑन द ट्रस इज टेकन है। अगर 15 डिग्री का एंगल है तो लाइव लोड कितना होगा, ऑप्शन ए 0.5, बी 0.55, सी 0.6 एंड डी 0.65। तो इस तरह के क्वेश्चन जब पूछते हैं तो उसके लिए एक फार्मूला हम यूज करते हैं जो कि कोड में दिया हुआ है, कि लाइव लोड, लाइव लोड जनरली कैलकुलेट करते हैं इनसे, ठीक है, ये पूछा भी है लाइव लोड, तो लाइव लोड के लिए ही अप्लीकेबल है। तो बेस्ड ऑन एंगल, सिर्फ एंगल इसमें वेरिएबल है, तो वो फार्मूला होता है, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। लाइव लोड इज इक्वल टू 0.75 माइनस थीटा माइनस 10 डिग्री इंटू 0.02। तो ये फार्मूला आपको याद रखने हैं। ओके, दिस फार्मूला इज 0.75 माइनस थीटा माइनस 10 डिग्री इंटू 0.02। ओके, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 10 डिग्री, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 10 डिग्री, अगर 10 डिग्री से ज़्यादा है तब। ओके, तो क्या हो जाएगा आपका 0.75 माइनस थीटा की वैल्यू कितनी है 15 डिग्री, सो 15 माइनस 10 इंटू 0.02, तो 15 माइनस 10 दैट इज 5 इंटू 0.02, तो इसमें से 0.1 माइनस हो जाएगा, दैट इज 0.65 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये इसका लाइव लोड हो जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर थ्री। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर फोर।
क्वेश्चन नंबर फोर कह रहा है कि द फ्रेम इन ए मेंबर ए बी सी इन द ट्रस एज शोन इन द फिगर आर रिस्पेक्टिवली. ये भी आईएएस में पूछ चुका है ना. और ये क्वेश्चन आपको आरपीएससी में भी आ चुका है 2014 में. ठीक है, तो ये दिया हुआ है कि ये फिगर है, इसमें से एक मेंबर है ए, इसको ए बोल दिया उन्होंने. ये मेंबर है, ये ए है. ओके, ए, ये बी, ये सी. ए मेम इस मेंबर को ए, इस मेंबर को बी, इस मेंबर को सी. तीनों मेंबर में फोर्स कितने होंगे ये निकालने के लिए इन्होंने बोला है. ऑप्शन आपके सामने है ए बी सी. तो इस ऐसे क्वेश्चन को भी हम एक दो मिनट के अंदर कर सकते हैं. कैसे, देखिए अब यहाँ पे देखिए ये रोलर है, तो यहाँ पे जो भी सपोर्ट रिएक्शन फाइंड होके आएगा है ना, वही फोर्स हो जाएगा इस मेंबर में. यहाँ पे सपोर्ट जो भी फोर्स आएगा वही इस मेंबर में फोर्स हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा आपका, जीरो है ना. मतलब ये वाला जो मेंबर है इसमें कितना फोर्स कैरी करेगा, दैट इज़ ज़ीरो. तो सी का तो जीरो हो गया. ठीक है, अब आप देखते हैं कि ये रिएक्शन कितना है. तो देखिए सिमेट्रिक लोडिंग है, यहाँ पे पी लोड अप्लाई किया जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है सिमेट्रिक है यहाँ से यहाँ तक. तो ये हो जाएगा पी बाई टू, क्योंकि एल एल डिस्टेंस पे सिमेट्रिक है. तो आप वैसे कैलकुलेट भी करेंगे तब भी ये पी बाई टू, ये पी बाई टू निकल के आएगा. तो इस तरह से इसमें जो बी में हो जाएगा क्या, पी बाई टू. ये पी बाई टू जितना रिएक्शन आएगा उतना ही इस मेंबर में फोर्स कैरी करेगा, दैट इज़ पी बाई टू. तो अब ये मेंबर निकल गया जीरो, बी का हो गया पी बाई टू. अब बच गया ए. ए में देखिए ये मेंबर ऊपर से आ रहा है, तो मतलब ये कॉलिनियर है, इस पर एक मेंबर आ रहा है पी. तो ये जितना लोड कैरी करेगा वही लोड इस मेंबर में आ जाएगा. ठीक है, तो ये पी है तो इधर से भी हो जाएगा पी, और ये फोर्स बराबर हो जाएगा. ठीक है, तो आंसर सी का जो हो जाएगा वो हो जाएगा पी. तो देख लीजिए आप, सॉरी सी नहीं, ए, ये वाला ए है. तो ए का क्या हो जाएगा, पी. सो ए बी सी यानी पी पी बाई टू जीरो. तो पी पी बाई टू जीरो, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट. ये जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर चार. नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव. क्वेश्चन नंबर फाइव कह रहा है कि ए ट्रस इज शोन इन फिगर, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ इच मेंबर इज ए. हर मेंबर का क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, एंड द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल इज ई. मटेरियल की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो है ई है. द स्ट्रेन एनर्जी इन द मेंबर एक्स वाई, एक्स वाई एक मेंबर है उसमें स्ट्रेन एनर्जी कितना होगा इज गिवेन एज. ऑप्शन ए है पी स्क्वायर एल अपॉन टू. ये यूके पीएससी में पूछ रखा है, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन. ऑप्शन बी है पी स्क्वायर एल अपॉन सिक्स ए ई. ऑप्शन सी है पी स्क्वायर एल अपॉन थ्री ए ई. ऑप्शन डी है जीरो. तो अब देखते हैं हमको, अब पहले तो मैं ये जान लूँ कि स्ट्रेन एनर्जी क्या होता है. देखिए ट्रस जो होता है सिर्फ एक्सियल लोड कैरी करता है, तो एक्सियल लोड के कारण, एक्सियल फोर्स के कारण जो भी स्ट्रेन एनर्जी होगा वही स्ट्रेन एनर्जी हम फाइंड आउट कर. स्ट्रेन एनर्जी सबका अलग है, फ्लेक्सर मेंबर का अलग तरीका है निकालने का ना. तो एक्सियल के लिए क्या करते हैं अपन, देखिए वन बाई टू पी इंटू डेल्टा, ये तो होता है आपका स्ट्रेन एनर्जी. इसमें अपन एक्सेल के कारण डेल्टा की वैल्यू पुट कर देंगे. सो वन बाई टू पी इंटू डेल्टा, डेल्टा क्या हो जाता है पी एल अपॉन ए ई, दैट इज पी स्क्वायर एल अपॉन टू ए ई है ना. ये मैं सिर्फ आपको स्ट्रेन एनर्जी बताऊँ, ये इसका आंसर नहीं है. अभी मैं देखता हूँ कौन सा मेंबर पूछा ये. तो देखिए ये मेंबर पूछा एक्स वाई, एक्स वाई वाला है ये मेंबर. ठीक है, इस मेंबर के स्ट्रेन एनर्जी कितने होंगे. तो देखिए यहाँ पे पी फोर्स एक्ट कर रहा है, तो ये जितना फोर्स है इसमें इतना आ जाएगा. मतलब ये दोनों क्या हो जाए, कोलिनियर. इधर से पी है तो उस मेंबर में भी पी फोर्स आ जाएगा, लेकिन ये मेंबर जो है इसका कोई वाई में और दूसरा मेंबर इसको आगे से नहीं है, मतलब डिसकंटिन्यूस एज है. या ऐसे कह सकते हैं कि ये कोलिनियर मेंबर है, उस पर जो तीसरा मेंबर है तो वो क्या हो जाएगा, जीरो. इसका समीशन एफ वाई लेंगे तो एफ वाई में और कोई फोर्स है नहीं, तो ये मेंबर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, जीरो. तो यानी एक्स वाई में फोर्स क्या है, जीरो, इसलिए उसका स्ट्रेन एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो. सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सिक्स. क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है कि फॉर द प्लेन ट्रस शोन इन फिगर द नंबर ऑफ जीरो फोर्स मेंबर फॉर द गिवन लोडिंग इज. अब ये ट्रस आपके सामने दिया हुआ है, इसमें कह रहा है कि जीरो कौन कौन से मेंबर में है. ये क्वेश्चन आपको एमपीएससी में पूछ रखा है. ठीक है, कौन कौन से मेंबर है जिसमें जीरो फोर्स है. ऑप्शन ए है चार, आठ, ग्यारह एंड तेरह. तो आपको काउंट करने हैं, जितने भी आ रहे हैं उसके हिसाब से आपके आंसर आ जाएंगे. ठीक है, तो हम देखते हैं जीरो मेंबर कौन कौन से हैं. तो जीरो मेंबर के दो ही तरीके हैं, एक की कोलिनियर मेंबर है ना, उस पर जो तीसरा मेंबर होगा वो जीरो होगा. ठीक,
दो मेथड है। एक अगर ये कॉलिनियर फोर्स है, इधर से एफ वन इधर से एफ टू, सपोज ये एफ वन ये एफ टू, तो ये मेंबर जो है वो जीरो फोर्स होगा। और दूसरा तरीका क्या है कि दो मेंबर है, ये एफ वन है ये एफ टू है, और कोई तीसरा मेंबर है नहीं, तो दोनों क्या हो जाएगा इसका जीरो फोर्स होगा। तो उस लॉजिक पे हम कैलकुलेट करते हैं। देखिए ये कॉलिनियर है ना, ये कॉलिनियर है, तो ये किसका कितना हो जाएगा जीरो। अब जब ये जीरो हो गया तो ये कॉलिनियर हो गया, तो ये इसमें क्या हो गया जीरो फोर्स। ठीक है, तो इसमें जीरो इसमें जीरो, ये दोनों जीरो हो गया। अब यहाँ पे तो जीरो होगा नहीं, ओके। अब यहाँ पे आते हैं, ये कॉलिनियर तो ये जीरो हो गया, ये कॉलिनियर हो गया तो ये जीरो फोर्स हो गया। अब ये जब जीरो हो गया तो ये कॉलिनियर, तो ये फोर्स क्या हो जाएगा जीरो। ओके, अगेन हम आ जाते हैं यहाँ पे, ये कॉलिनियर तो ये फोर्स हो गया जीरो। ठीक है, अब जब ये जीरो हो गया तो ये कॉलिनियर तो ये भी हो गया जीरो। अब जब ये दोनों जीरो हो गया तो ये ऑटोमेटिक जीरो हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे फोर्स है तो ये जीरो होगा नहीं, तो वो वाला नहीं होगा। अब ये देखिए, ये कॉलिनियर तो ये हो गया जीरो, तो कितने हो गए टोटल, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, टोटल आठ हो गए। तो इसके करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सिक्स। आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपका कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन कह रहा है कि ए सिंपल ट्रस ए बी सी, ए बी सी एक सिंपल ट्रस है, इज सपोर्टेड एट ए, ए पे सपोर्टेड है एंड बी, बी पे भी सपोर्टेड है एज शोन इन फिगर। इफ़ ए पॉइंट लोड पी अलोंग बी सी इज अप्लाइड एट जॉइंट सी, है ना, एक पी फोर्स है जो सी जॉइंट पे अप्लाई किया गया है उनको इन हॉरिजेंटल डायरेक्शन, देन व्हाट विल बी द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट सी। इसमें डिफ्लेक्शन पूछा है कि सी पे डिफ्लेक्शन क्या होगा। ओके, तो ऑब्वियसली बात है, डिफ्लेक्शन के लिए हमें क्या चाहिए, मेंबर में फोर्स चाहिए। फोर्स अगर पता है तो हम डायरेक्टली स्ट्रेन एनर्जी जो ऊपर मैं बता चुका हूँ उससे आप निकाल सकते हैं, अभी क्वेश्चन एमपीएससी में आ चुका है। तो अगर हमें मेंबर के फोर्स पता है तो स्ट्रेन एनर्जी यूज करके हम निकाल सकते हैं। क्यों, कैसे, तो टोटल स्ट्रेन एनर्जी हम निकाल लेंगे एक्सेल फोर्स के कारण, अभी आपको बताया था पी स्क्वायर एल अपॉन टू ए ई, इसके बाद हम कास्टिग्लियानो सेकंड थ्योरम अप्लाई करेंगे, डेल यू अपॉन डेल पी इज इक्वल टू डेल्टा, तो वो डायरेक्टली आपको डिफ्लेक्शन दे देगा। तो देखते हैं इसमें, इस मेंबर देखिए, ये मेंबर है पी फोर्स, तो इसमें भी आ जाएगा पी, ये दोनों कॉलिनियर है तो ये हो जाएगा जीरो। अब यहाँ पे है रोलर, तो जितना मेंबर इसमें आएगा उतना ये सपोर्ट हो जाएगा, इसका कुछ है नहीं, तो ये हो जाएगा जीरो। मतलब ये दोनों मेंबर जीरो हो गया, तो सिर्फ फोर्स क्या बचा, पी। तो अगर सिर्फ पी फोर्स है तो उसके लिए यू क्या हो जाएगा, दैट इज पी स्क्वायर एल अपॉन टू ए, अभी आपको बताया मैंने पी स्क्वायर एल अपॉन टू ए। अब इसका अगर डेल यू अपॉन डेल पी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल यू अपॉन, देखिए डेल यू अपॉन डेल पी क्या हो जाएगा, टू पी एल अपॉन टू ए ई, पी स्क्वायर एल का पी, पी स्क्वायर क्या हो जाएगा टू पी इंटू डेल पी बाई डेल पी, तो वन हो जाएगा। तो टू टू विल गेट कैंसल, दैट इज पी एल अपॉन ए ई, और ये हो जाएगा आपका डेल्टा। सो डेल्टा इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई। सो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, ए में भी पी एल अपॉन ए ई है, सी में भी पी एल अपॉन ए ई है, लेकिन इसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ए का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा, सी का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा। ओके, तो ये देखिए, ये पूछा क्या है कि व्हाट इज द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट पॉइंट सी, सी पॉइंट पे वर्टिकल डिफ्लेक्शन क्या होगा। तो वर्टिकल डिफ्लेक्शन सी पॉइंट पे क्या हो जाएगा, वर्टिकल डिफ्लेक्शन सी पॉइंट पे, तो इसको आप, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है, या तो अगर वर्टिकल पूछेगा तो हमको यहाँ पे यूनिट लोड अप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो हम क्या करते हैं, इस पी फोर्स के कारण कितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसको आप थ्री मान लीजिए कि यहाँ पे थ्री ए ई है ना, तो ऑप्शन इसका सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। अगर इसको वर्टिकल डिफ्लेक्शन वन पे निकालना है, ओके, तो हम यहाँ पे यूनिट लोड अप्लाई करेंगे वन, और उस यूनिट लोड के कारण कितना हो रहा है, फिर हम उसमें समीशन ऑफ पी के एल अपॉन ए ई, तो यहाँ से आप डेल्टा फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब पी के कारण फोर्स, मेंबर में फोर्स, ये दोनों तो जीरो ही है, तो सिर्फ इस मेंबर में पी के कारण होगा फोर्स, एंड यहाँ पे वन न्यूटन का अप्लाई कर देंगे तब क्या होगा फोर्स, तो ये दोनों तो ऑलरेडी जीरो है, सिर्फ एक मेंबर के कारण आएगा, तो पी के एल अपॉन ए ई से आप निकाल सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर एट,
क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि द फोर्स इन मेंबर ए बी, द फोर्स इन मेंबर ए बी ऑफ द ट्रस शोन इन फिगर। ओके, ए बी मेंबर में क्या फोर्स होगा, ये है ए बी, ए बी मेंबर ये है आपका। ओके, इसमें फोर्स क्या होगा, तो पहला है 25 किलोन्यूटन, देखिए सारे दिया हुआ है, 25 रूट टू एंड 25 किलो न्यूटन। तो इसको कैलकुलेट करके देते हैं। जब इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप डायरेक्टली, हमारे पास दो मेथड है, मेथड ऑफ जॉइंट्स एनालिसिस कर सकते हैं और मेथड ऑफ सेक्शन से। तो हम डायरेक्टली क्या अप्लाई करेंगे, मेथड ऑफ सेक्शन। सो अप्लाई मेथड ऑफ सेक्शन। तो मैं थोड़ा सा क्विक में आपको बता देता हूँ मेथड ऑफ सेक्शन होता क्या है। मेथड ऑफ सेक्शन, मेथड ऑफ सेक्शन होता है कि आप ट्रस में कहीं पे भी इस तरह से सेक्शन कट करें कि वहाँ पे नंबर ऑफ अननोन जो वो 3 से ज़्यादा ना हो और टोटल ट्रस दो पार्ट में स्प्लिट हो जाए, है ना, दो पार्ट में स्प्लिट हो जाए और नंबर ऑफ अननोन 3 से ज़्यादा ना हो, दैट इज कॉल्ड मेथड ऑफ सेक्शन। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे सेक्शन काटूँ, ओके, यहाँ पे मैं एक सेक्शन काट लिया कोई भी, 1-1 सेक्शन काट लिया, तो आप देखिए यहाँ पे अननोन कितने हो जाएंगे। तो हमको ये रिएक्शन तो मैं इस लोड से डायरेक्टली निकाल सकता हूँ, 50 किलोन्यूटन का है, सिमेट्रिक लोडिंग है, तो ये हो जाएगा आपका 25, ये हो जाएगा आपका 25, तो ये तो हमें पता चल गया था। अननोन कितने हो गए, 1, 2, 3, एक ये हो जाएगा अननोन, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। तो इस तरह से आप उसको देख सकते हो कि एक अननोन ये, एक अननोन ये, एक अननोन ये, तो 3 से ज़्यादा अननोन नहीं है, मतलब मेथड ऑफ सेक्शन हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जैसे यहाँ पे मेथड ऑफ सेक्शन अप्लाई किया, सेक्शन काट दिया, अब 3 अननोन है, ये हमको 25 पता है, तो डायरेक्टली आप क्या करोगे, इस आधे पार्ट को यहाँ से हटा दीजिए। तो ये देखिए, ओके, ये है आपका 25, ये आपका मान लीजिए कुछ F1, ये है FAB, ये है आपका F2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अगेन अपना जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, समीशन ऑफ FY=0 कीजिए, तो क्या हो जाएगा, FY को जब 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए FY को मैं 0 कर रहा हूँ, तो इस ऊपर से जा रहा है 25 और इधर से क्या आएगा, ये तो हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल, सिर्फ FAB वाला आएगा। तो मैं बोल सकता हूँ कि FAB, अब इसका जो भी ये एंगल होगा, एंगल इसका ये दिया हुआ है 1.5, ओके, और टोटल स्पेन, मतलब हर स्पेन 1.5, 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 यानी कितना हो जाएगा ये टोटल, 6 × 1.5, है ना, हर मेंबर उतना ही है, तो टोटल स्पैन आपका हो जाएगा 9, ठीक है, टोटल स्पैन 9 हो गया, मतलब ये 1.5 वन पॉइंट, ये एंगल क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है, तो मतलब ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा 45, तो एफ ए बी कॉस 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, तो मतलब इसको उस साइड लेके चला जाऊँ अगर इज इक्वल टू 0 है तो 25 कॉस, तो एफ ए बी इज इक्वल टू 25 बाय cos 45, यानी 25 बाय रूट 2, कॉस 45 1 बाय रूट 2, तो ये हो जाएगा आपका एफ ए बी की वैल्यू 25 रूट 2, एफ ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगा 25 रूट 2। अब देखिए 25 रूट 2 यहाँ भी है, 25 रूट 2 यहाँ भी है, सॉरी ये नहीं है, 25 रूट 2 आपको एक ये वाला है और एक ये वाला है, तो टेंशन में भी है कंप्रेशन में है, तो कौन सा होगा, तो हमने क्या एज्यूम किया था, हमने टेंशन एज्यूम किया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, टेंशन वाला, तो टेंशन वाला ऑप्शन बी, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, बी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 25 रूट 2 टेंशन, ठीक है, टेंशन हमने एज्यूम किया था और टेंशन में पॉजिटिव आया, सो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द जॉइंट ऑफ ट्रस कैन बी ऑब्टेन बाय डायरेक्टली फ्रॉम, देखिए मैं इससे पहले एक लेक्चर लिया था, आप जाके स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के लेक्चर देख सकते हैं, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन के इम्पोर्टेंट फॉर्मूले मैंने बताया था, और जो डायरेक्टली वैल्यूज होता है डिफरेंट बीम कंडीशन के लिए, और उसमें लास्ट में मैंने बताया था कि हम डिफ्लेक्शन कैसे यूज करते हैं, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन
कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसके डिफरेंट मेथड्स मैंने बताया। तो उसमें जो लास्ट मेथड बताया था दैट इज़ विलॉट मोहर डायग्राम, है ना, वो ट्रस के लिए यूज होता है ना। जब ट्रस में डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना होता है तो आप विलॉट मोहर डायग्राम यूज करते हैं। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, कि डिस्प्लेसमेंट हम विलॉट मोहर डायग्राम से फाइंड आउट करते हैं ट्रस के केस में। क्वेश्चन नंबर 10 है होन्सन फॉर्म, ये GPSC में पूछा जा चुका है, ये क्वेश्चन आपको GPSC 2018 में पूछा जा चुका है। होन्सन फार्मूला गिव्स द डेड वेट ऑफ ए ट्रस ब्रिज एज ए फंक्शन ऑफ, किसका फंक्शन है होन्सन फार्मूला, है ना। होन्सन फार्मूला इज ए फंक्शन ऑफ ऑप्शन नंबर ए बॉटम कॉर्ड एरिया। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, बॉटम कॉर्ड एरिया का फंक्शन है। सो होन्सन फार्मूला गिव्स डेड वेट ऑफ द ट्रस ब्रिज एज ए फंक्शन ऑफ बॉटम कॉर्ड एरिया। ओके, सो आई थिंक ये 10 क्वेश्चन से आपके ट्रस के कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार आते हैं, और इसमें अगर आपको कोई डाउट हो और कोई क्वेश्चन हो आपके, तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको कैरी करूँगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।